व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग? ये है मेरा 13 ब्लॉग। ये ब्लॉगों पर वैसे तो व्यू तो नहीं आते, पर बना रहे हैं, बढ़िया हैं, धीरे धीरे आएंगे। और ये अब मैं यार स्कूल जाता हूँ, इसलिए ब्लॉग आते नहीं। वीक में 2 डे स्कूल लगता है, इसलिए 2 दिन 3 दिन आता नहीं। और मेरे पास कोई टाइटल नहीं है मतलब। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ब्लॉग बनाने का क्या ब्लॉग बनाए, टाइटल होता है कुछ, जब भी बनाया जाता है। और आज मेरे पास टाइटल है कि कुछ मैं घर पे करने वाला हूँ, मतलब क्रिएट करने वाला हूँ। कुछ मैंने चार्ट ला रखे हैं, मैंने कहा एक फ्रेम बनाते हैं जिसके अंदर मेरी सारी फोटो, जितनी भी मेरे पहले, सारी तो नहीं, लगभग जितनी पहले की पड़ी है वो बनाऊँगा फ्रेम में। और साथ में सारे दिन का व्यू लेते हैं, क्या करूँगा क्या नहीं सारे दिन में। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो फ्रेम बनाते हैं, तो चलते हैं। मैं इस एल्बम में से कुछ फ़ोटो चूज़ करूँगा, क्योंकि ये जब उधर हुआ था चिपका है पार्टी का, तो वैसे तो इसके अंदर यार ख़राब हो रही है, क्योंकि ये हमारे घर में ढंग से नहीं रखा। तो इसके अंदर से मैं कुछ फ़ोटो चूज़ करूँगा। एक ये है मेरी, इसको साइड में रख लेता हूँ, और भी फ़ोटो देखते हैं। एक ये लगा देंगे यार, तो इसके अंदर से मैंने एक ये चूज़ किया है, क्योंकि ये निकाल लेता हूँ मैं। ये मैं फ्रेम बनाऊँगा ना, उसके अंदर से ये लगा देंगे, रुद्र की एक फ़ोटो होगी, ठीक है। और देखते हैं, वैसे तो और बहुत है यार इसके अंदर से, हमारे पुरानी फ़ोटोज है, मम्मी की, चाची जी की, ये रही चाचा जी की और चाची जी की, एक ये लगाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं, और भी बहुत है यार, जैसे ये रही, ये भी साथ में नहीं है, ये रो रही है मानी, एक और है इसकी फ़ोटो, वो लगाएंगे। एक ये लगाते हैं साथ में, ये मेरी बुआ जी की लड़की है दोनों, इन दोनों को लगाएंगे, एक ये साइड में लगते हैं, ठीक है। और एक ये रही हमारे मम्मी, मेरी, और ये बहुत पुरानी फ़ोटोज हैं, जब रुद्र हुआ था उसके नामकरण किया था, जबकि फ़ोटो है ये पापा जी की, मेरी, रुद्र की और मम्मी की, ये भी रख लेते हैं, ये पापा जी की और इनकी। बड़ा फ्रेम बनाऊंगा, छोटा फ्रेम नहीं बनाना, बड़ा फ्रेम बनाऊंगा। और फोटो देखते हैं, जैसे पापा जी की हो गई, और देखते हैं, ये है सबसे पहले रुद्र की, ये वाली सबसे जब हुए थे, और ये मेरे दादाजी की, ये सबसे पुरानी है, ये फ़ोटो निकालनी है, इसका अलग फ्रेम बनाऊंगा मैं छोटा, ये अलग बाद में बनाऊंगा। ये मेरे पापा जी हैं सब, ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, ठीक है। और ये भी, ये देखिए पापा जी की सबसे पुरानी फ़ोटो, पर ये नहीं लगाऊंगा यार। और देखते हैं, और फोटोज़ और पड़ी थी एल्बम, और भी है, पर वो पता नहीं कहाँ पर है। एक ये फ़ोटो लगा देते हैं, मेरी बुआ जी की, चाची जी की और मामी जी की, और ये सभी आ गए, इस ये फ़ोटो लगा देते हैं, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं फोटोज़। एक ये लगा देते हैं, इसके अंदर बुआ जी का फेस थोड़ा सा मतलब छोटा आ गया, मतलब ढंग से नहीं आया। ये वाली लगाते हैं एक फ़ोटो, चाचा जी की, फूफा जी की और पापा जी की। ये निकल नहीं रही, अपनी क्या बात है। वैसे साफ पड़ी है सारी फोटोस, ये भी रख लेते हैं। और यार एक पापा जी की लगा देते हैं, यो 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 यो, एक पापा जी की, कौन सी लगाएं। ये वाली साफ नहीं आई, और इनका अलग फ्रेम बनाऊंगा। एक ये रुद्र की भी, इसकी भी अलग फ्रेम बनाऊंगा मैं। और मेरे पास पड़ा है, वो देख के आते हैं इतनी देर, और एल्बम लाता हूँ इतनी देर, ये सिलेक्ट हो गई अभी तक, फोटोज इतनी लगाएंगे पहले तो फ्रेम के अंदर, देखते ढंग से बनेगा क्यों नहीं, बनेगा या नहीं बनेगा। ये सबसे पुरानी है मेरी, ये छोटे थके की है, मैं जब छोटा था जब की ये फ़ोटो कलेक्टिंग कितनी हुई, फ़ोटो गिनते पहले, 1 2 3 4 5 6 7 फोटोज़ हुई है। और देख के आता हूँ मैं, मिलती है तो और लगाएंगे। तो मैंने ये सारी फ़ोटो वैसे ऐसे रख ली है, क्योंकि ऐसे बनेगा फ्रेम, ठीक है। ये फ़ोटो छोटी है, यहाँ पर फ्लावर आ जाएंगे, मैं फ्लावर बना लूँगा येलो कलर के। वैसे वो चार्ट है मेरे पास, इसके लिए मैंने सब कुछ पहले कलेक्ट कर लिया, चेंग, ये सीजर हो गई, ये ग्लू हो गई, और ये चार्ट हो गया। और एक प्रकार चाहिएगा फ्लावर के लिए, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने ये रख रखा है ना, ये ऐसे बनेगा चोट्स,
फ्रेम बन जाएगा, पर ज़्यादा बड़ा नहीं बना। ठीक ठीक है, व्हाट्सअप की फ़ोटो आ गई जो मेन मेन थे, क्योंकि दादाजी की खिंचाई नहीं हुई थी, मतलब पिक नहीं ली हुई थी, और दादी जी की भी जब थी नहीं, और किसकी नहीं ली हुई, चाची जी की भी आ गई, सबकी आ गई वैसे देखे तो। अब इसका फ्रेम बना लेंगे, बड़ा सारा अच्छा बनेगा साथ में फ्रेम। और देखिए फ्रेंड्स, बनाते हैं, चलते हैं, लेट्स गो। फ्रेंड्स पहले मैंने चार्ट को सीधा कर लिया है, इसके नीचे है, इसके ऊपर देखते हैं पहले सारी फोटो लगा के। हमें जितना चार्ट चाहिए हम उतने के ऊपर ही चिपकाएंगे दिल को। यहाँ पर मेरी फोटो आएगी क्योंकि यहाँ पर फ्लावर लग जाएंगे, इतनी दूर में, इतनी दूर में फ्लावर लग जाएंगे, अच्छी लगेगी। ये फोटो आ जाती है यहाँ पर, ये आ जाती है यहाँ पर। अब हमें इतना चार्ट चाहिए, पहले इसके ऊपर स्केल से मार्किंग कर लेता हूँ। तो फर्स्टली इसके ऊपर हम लाइन स्केल से लाइन बना लेते हैं। मैंने वो ड्राइंग बुक लिया था पर उसके अंदर सही रहते। चलो अब इसको पेस्ट करते हैं ब्लू से। सुंदर लगेंगे क्योंकि ऐसे डेकोरेट हो गए। इसके लिए मेरे को बनाने पड़ेंगे 13 फ्लावर बनाने पड़ेंगे इसके लिए मेरे को यहाँ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं फ्लावर, हम इसको करते हैं साइड में ड्राई होने के लिए। अब ग्लू नहीं चाहिए थोड़ी देर के लिए, इसको करते हैं साइड में। सीजर चाहिए, इन बचे हुए को डस्टबिन वगैरह प्लीज, और टेबल साफ करने में आएंगे काम। टेबल के ग्लू लग गई है तो इसको साफ कर लेते हैं। कट इस ये वाला पीस जो रह गया है, मतलब ये अब इतना इसका फ्लावर बनाएंगे इसका। इसके ऊपर करते हैं मार्किंग। फर्स्टली हमें सब एक इसके तीन पीस निकलेंगे फ्लावर बनाने के लिए, हमें तीन सर्कल चाहिए। तो हम छोटे छोटे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाएंगे।
सारी कटिंग करनी है तो मैं कर लेता हूँ। फर्स्टली वैसे ही फोटो करना जैसे मैंने पहले आपको बताया था। ऐसे काट के बस इसका एक पॉइंट निकालना है। ये रेडी है फ्लावर, ठीक है। तो उसके नीचे वाला ये काट देना। ये होल बड़ा रखना है क्योंकि इसके अंदर ये भी जाएगा जैसे, फिर बनेगा फ्लावर। तो फ्रेंड्स ये सबको, ये 13 है और ये 26 है क्योंकि ये डबल करने हैं, ये 2-2 करने हैं एक के अंदर, एक फ्लावर के अंदर ये 2-2 लगेंगे, ठीक है। इनको साइड में रखेंगे, इनको भी फोल्ड करना पड़ेगा, इनको भी फोल्ड करना पड़ेगा। तो करते हैं, पहले सबको फोल्ड कर लेते हैं। पहले इन बड़े वालों को फोल्ड करके कट करके पेस्ट कर देते हैं। सब बहुत मतलब इसको इतने करने में यार हाथ दर्द करने लगे और काटने में और इतने करने में। अब इनको वो फर्स्टली पहले मैंने इसको यहाँ से कट नहीं किया है तो इसको अंदर से कट करना है यहाँ से। फर्स्टली सबको कट कर लेते हैं, कटिंग करते हैं। पहले कटिंग कर लेनी है, जैसे पहले मैंने यहाँ पर इसके होल नहीं किया था, ये होल करना है इस बार, ठीक है। तो अब इसको डबल काट लेते हैं यहाँ से। ये साइड में रखना क्योंकि बाद लास्ट में चाहिएगा। और ऐसे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है ग्लू से। चलो अब मैं इतनी देर ये सब कर देता हूँ। अब ये इतने सारे कर लेते हैं पेस्ट और कटेड और पेस्ट। 2 hours later सेंटर पॉइंट था वो भी निकाल लिया है, मतलब ये 12 है, ठीक है। ये भी 12, ये भी 12, ये इनको रख देते हैं साइड में। अब जो थे ये 2-2 के पार्ट्स, मतलब ये सेंटर पॉइंट है और ये मिडिल पॉइंट था, सबसे नीचे वाला पॉइंट ये था और ऊपर वाला ये। इसके 3 स्टेप होते हैं। हमने सबसे बड़ा फ्लावर पहले बना दिया है, अब इनका बनेगा, इनके 2-2 फ्लावर बनेंगे, एक के अंदर 2-2 लगेंगे, ठीक है। तो इनके 2-2 बनाने पड़ेंगे। तो इनका वो सेम ही स्टेप है, वैसे ही बनाना है फ्लावर। पर इसका हमने जिस उसका 2 काटे थे और मैंने उसको चिपका दिया, ऐसे बनाना है उसको, कोन बना देना है उसका, मतलब उसके 2 काट के ऐसे मतलब पेस्ट कर दिया मैंने। पर इसके अंदर जो एक कटेगा वो कोई काम का नहीं होगा और उसको आपने मतलब कचरे में ये डालना है, वो क्योंकि काम का नहीं होता। क्या उसको साइड में आप चिपका सकते हो क्योंकि मैं तो फ्लावर वैसे लगा रहा हूँ। और इनके 2-2 निकालने में सेम ही सेम एक ट्रिक है उसकी। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं इसका 2-2, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना। ये रेडी है फ्लावर, ठीक है। और इसके नीचे वाला ये काट देना। ये होल बड़ा रखना है क्योंकि इसके अंदर ये भी जाएगा जैसे, फिर बनेगा फ्लावर। तो फ्रेंड्स ये है 4th थिंग, ये सबसे बड़ा है, इसे छोटी और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये उससे छोटा, ये उससे भी छोटा और ये सबसे छोटा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो मैं इनको फिर बताऊँ सैम्पल ऐसे। पेन की ले लेनी है अंदर वाली जो होती है सही सी। ये लास्ट वाला पार्ट इसके अंदर डाल देना है।
इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा हमको इसको, क्योंकि जितना फूल पड़ा होगा उतना ही सेट होगा। और इसको भी घुमाना है, और यहाँ पर इसके गम डाल देनी है लास्ट में, क्योंकि ये पेस्ट मुझे बाहर ना निकले। और ये बन चुका है हमारा फ्लावर। Two hours later. फ्रेंड्स, दो घंटे में बस इतना तैयार हुआ है। वो फ्लावर्स हैं वहाँ पर बड़े हैं, वो इन कनोरों में रखेंगे। और देखिए, इतना दो घंटों में तैयार हुआ है। मैं लगा था आपको वीडियो बनाने, 11 बजे लगा था, दो घंटे हो गए, 11 बजे लगा, 1 बज चुका है, 2 घंटे हो गए फ्रेंड्स। और इतने देर में इतने फ्लावर तैयार हो गए। फ्लावर मैंने 9-10 फ्लावर रेडी कर लिए हैं। और अब इसकी कवर लगाना है साइड में, मतलब जो हमारा मैन है कवर साइड वाले, वो डंडी बनाएंगे पतली पतली, और उसके देखना वो कैसे मस्त बनती है। चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं डंडी। इन सबको करते हैं साइड में, फ्लावर्स को भी। चार्ट का बनेगा तो उसके हम मेक काटने पड़ेंगे कितने लेयर्स। चार्ट रखते हैं यहाँ पर और इसके लेयर देखते हैं। यह सेट बनेगी, बढ़िया तरह बन जाएगी। तो हमें चाहिए कुछ नहीं, बस ये बैंक का अंदर वाला स्निप्स, इसको लगाना है यहाँ पर और कर देनी है घुमा। मेरे को लगता नहीं इतना बड़ा हो जाएगा, एक हो गया तो फिर तो सब सारे कर दूंगा। ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। क्योंकि ये बड़ा बहुत है, फट जाएगा, और ये वो ही हुई फट गया। चलो हम इनको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं बता पा सकते क्योंकि हमारे पास छोटा पड़ा है। इसको करके देखते हैं पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना, बड़ी लेयर का ऊपर है। वो फोटो वाला थोड़ा इसका लेयर बड़ा रखना पड़ेगा। इसके जो हमारे पास जो पेपर पेपर बच चुका है उसका लगाएंगे थोड़ा थोड़ा साइड्स में, क्योंकि ज़्यादा साइड्स होगी तो अच्छा सुंदर लगेगा वैसे। चलो कुछ करते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं दूसरी साइड लाता हूँ। जैसे ये मेरे पास है, तो इसको हम दोबारा करते हैं अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा खुल चुका है। जैसे ये 4 सबसे बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, ये साइड्स में लगी जैसे ऐसे दिखा देता हूँ। और ये
डाउन में ऐसे, और ऐसे बन जाएगा अपना फ्रेम। वैसे ऐसे फ्रेम तो बहुत अच्छा बनेगा, तो पहले इनको मतलब पेस्ट करना होगा साथ में ऐसे, तो कर देते हैं। वैसे फ्रेंड्स ये ड्राई हो चुकी है, अब इनको हम कर देते हैं पेस्ट। तो इनको पहले तो साइड में रखते हैं, ये थोड़ी थोड़ी अभी तक ऊपर से ग्लू इसकी फुली तरह नहीं सूखी, क्योंकि ये ग्लू ढंग से सूखती नहीं है जल्दी से, तो इसको टाइम लगेगा। साथ में हम उसको ऊपर चिपका देंगे जब जल्दी सूख जाएगी। तो ये रही हमारी पिक्चर। तो हम इसके लगाते हैं, कैसे लगाएंगे? फर्स्ट यहाँ पर एक लगेगा न्यू साइड। पेस्ट कर देते हैं जो मैंने अभी बनाए थे सारे। बट ये एक फ्लावर मतलब ये मेरे पिक है, उसके फेस पे आ रहा है, बट सेट है इनके, ये सही तरह हो चुके हैं। वैसे फ्रेम बहुत अच्छी तरह डेकोरेट हो गया फ्लावर की वजह से, और वैसे भी बहुत सुंदर बना है। और आप कमेंट करना कि कैसा बना है। एक बार इसको ड्राई होने देते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी ग्लू और डाल लेते हैं, क्योंकि ये ढंग से ड्राई हो जाएगा, कोई दिक्कत ना आए हमारे बाद में, निकल ना जाए फ्लावर। फ्रेंड्स पर मेरा यहाँ पर फेस थोड़ा सा अंदर हो चुका है, पर बढ़िया बना है यार। कैसा बना जरूर कमेंट करना। और इसका कचरा बहुत हुआ है वो देखो फ्रेंड्स, मम्मी डांटेगी, पर मम्मी वैसे कुछ नहीं कहेगी क्योंकि कचरा इतना नहीं हुआ है। चल बहुत उठा लूँगा, पर जरूर बताना फ्रेंड्स कैसा बना है फ्रेम, अच्छा बना है? तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जो बहुत लंबी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो आज का ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम ये तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं यार, कुछ उखाड़ ले यार जिंदगी में, कुछ कर ले हैं। बाय।